बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए छोले की रेसिपी लेके आया हूं, जिसको ग्रीन चने भी कहते हैं। और इस रेसिपी का एक सीक्रेट है कि इसका शोरबा जो है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, उसमें प्याज आपको तैरते हुए नज़र नहीं आने चाहिए। तो ये कैसे होगा, ये एक राज है जो आज मैं आपको बताऊँगा। तो रेसिपी के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। मेरे भाई ने चैनल शुरू किया है फियाज अंसारी फूड सीक्रेट्स, आपने इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है आज ही जाके, और वहां पे कमेंट भी करना है, और मैं देखूंगा किस किस मेरे सब्सक्राइबर ने वहां पे कमेंट किया है। और डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आज आपने जरूर ये काम करना है। तो यहां पे ये देखें, ये है छोलिया ग्रीन चने, बहुत मज़े के बनते हैं। और इसकी जो वही बात की खास बात यही है कि इसकी जो ग्रेवी है, जो शोरबा है, वो अच्छा होना चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी प्यारी सी कढ़ाई में हाफ कप कुकिंग ऑयल का डालेंगे, और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें दो छोटे साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे, और इनको हम पकाएंगे ग्रीन कलर आने तक। और फिर इसमें हम जस्ट लहसुन डालेंगे, अदरक इसमें नहीं जाएगा। और ये फ्रेश लहसुन लिया मैंने, तकरीबन 4 से 5 जवे जो हैं लहसुन के लिए मैंने, और इसको पकाएंगे मज़ीद कोई 3 से 4 मिनट। प्याज को भी 5 से 6 मिनट लगते हैं और 3 से 4 मिनट इसको लगते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर एक बड़े साइज़ का, प्योर रेड कलर का, और इसको हम पकाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका काम शुरू हो चुका है जो आपने ध्यान रखना है। तो 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच नमक का, 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1/4 टेबल स्पून हल्दी जाएगी बस, और कुछ आपने ऐड नहीं करना। मसाले की बुनाई जो है वो काफ़ी टेक्निकल है, तो यहाँ पे आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। मसाले को पकाएंगे यहाँ पे हम कोई 7 से 8 मिनट, और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि सब चीज़ें जो है वो अच्छे से नरम हो जाए। तो यहाँ पे ये लें जी, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब आपने इसको डालना है मशीन में और इसको ग्राइंड कर लेना है आपने। तो अच्छे से ग्राइंड करने के बाद दोबारा इसको कढ़ाई में डालना है। तो इसके बगैर आप जो भी कर लें, प्याज को ऊपर तैरने से आप नहीं रोक सकते और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो थोड़ा सा पानी भी हमने जग को साफ़ करने के लिए डाल दिया, क्योंकि आपको पता है कि इजाज कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होने देता, और आपने भी आदत बनानी है। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी ज़ाया मत होने दिया करें। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है इसको मज़ीद पकाएँगे 8 से 10 मिनट, जब तक कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए। तो जैसे ऑयल ऊपर आया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छोलिया इसमें ऐड करेंगे। तो आपको पता है ये माशाल्लाह मेरा फेवरेट स्टेप होता है, इतनी कलरफुल खूबसूरत साफ़ सुथरी सब्ज़ी इसमें ऐड करेंगे। और भुनाई यहाँ पे नहीं करनी, अब मसाला हम अच्छे से भून चुके हैं तो यहाँ पे भुनाई बिल्कुल नहीं होगी। डायरेक्ट इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 गिलास पानी, और एक दफ़ा इसको कर देंगे मिक्स। दोस्तों हर रेसिपी का मैं पहले बता चुका हूँ, कोई ना कोई ट्रिक होता है जो दूसरों से डिफरेंट होता है, तो उसको आपने फॉलो करना होता है। ढक्कन रख देंगे यहाँ पे, और ये कल यहाँ पे मैंने कढ़ी बनाई थी तो ऑयल थोड़ा सा लग गया था, तो ढक्कन रखेंगे और पकाएंगे इसको 12 से 15 मिनट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हो चुके हैं 12 से 15 मिनट, और हमारा जो छोलिया है वो बहुत अच्छे से गल चुका है, और आप देख रहे हैं कि ऑयल भी ऊपर आ चुका है। यहाँ पे शोरबे की कंसिस्टेंसी देखें आप, मतलब ये बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार है, ये देखिए आप। अब आप घर में बनाते होंगे छोलिया, माशाल्लाह अच्छा होगा, ये भी आपने ट्राई करना है। 2 इसमें हरी मिर्चें जाएंगी और हरा धनिया जाएगा। तो दोस्तों मेरे भाई के चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो मैं आपको फिर याद करवा दूं, अभी जाके सब्सक्राइब करें, और वहाँ पे जाके आपने कमेंट करना है कि आपने आज सब्सक्राइब किया है, ठीक है। वहाँ पे जाके आपके कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा, तो आपने ये काम करना है। तो यहाँ पे शोरबा देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा है। तो अब इसको निकालते हैं बाउल के अंदर, तो सारा ही इस तरह डाल देते हैं। शोरबे का कलर देखें, मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है, मैं थोड़ा सा फूडी बंदा हूँ, खाने पीने का शौकीन। और ये देखिए, मैं आपको शोरबा एक दफ़ा फिर चेक करवाता हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए, मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमतें और नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथ में दी दोस्तों, सब ये आपके
प्यार पे है, आपकी सोच पे है कि आप खाने के ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप इसको वैसे ही फाड़ कराना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप करते हैं मोहब्बत अपने घर वालों से तो प्लीज़ खाने पे ध्यान दिया करें कि वो कैसे बनाना है। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और बहुत अच्छे से मैं कोशिश करूँगा आपको गाइड करने की। तो इजाज़ को इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। आपके सामने है बहुत ही शानदार रेसिपीज जिनको बहुत आसान तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, इसके ऊपर क्लिक करिए और देखिए ये कितनी आसानी से बन जाती हैं। तो इन्जॉय करिए इन वीडियोज़ को।